वहीं पूर्व सीएम उमा भारती एक बार फिर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अपने बयान से पलट गई हैं। पहले जहां उन्होंने कहा था कि 8 मार्च से वो टीकमगढ़ में शराब की दुकान बंद करवाकर प्रदेश में शराबबंदी की शुरुआत करेंगी, तो वहीं अब उन्होंने कहा कि 8 मार्च को तो शराबबंदी की नीति तय करने के लिए भोपाल में मीटिंग करेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह और बीडी शर्मा भी शराब के उतने ही खिलाफ है, बस उनको दिक्कत यह है कि राजस्व की भरपाई कहां से होगी, और इसलिए अभी यह तय हुआ है कि इसको क्रमिक करें, इसके लिए एक सूची बनाएंगे, नियम विरुद्ध खोली गई दुकानों को पहले हटाया जाएगा। आठ मार्च को तो कुछ महिलाएं जो इसके बारे में नीति तय करेंगी वो बैठेंगी भोपाल में। सरकार से बात हुई है, शिवराज जी और बीडी शर्मा जी भी शराब और नशा के उतने ही खिलाफ हैं जितने कि मैं खिलाफ हूँ। यही तय हुआ कि इसको क्रिमिक करें, और सबसे पहले कम से कम जहाँ नहीं होनी चाहिए यदि वहाँ है तो पहले वो हटे, तो उसकी एक सूची बने कि ये जगह ऐसी है जो नियम के विरुद्ध है।